नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचखा। हमारी टीम अभी यहाँ आके पहुँच चुका है और एक भविष्य मालिका के बहुत ही प्रसिद्ध स्थान जिसका नाम है मणिनाग गुफा, तो वहाँ पे हमारा टीम आके पहुँच चुका है। भविष्य मालिका के बहुत सारे ग्रंथ हैं इसी स्थान के बारे में, उसका प्रमाण भी मिलता है। तो फिर यह भी मान्यता है कि त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास पर थे, यही वो जगह था और यही वो गुफा है जहाँ पे भगवान राम ने यहाँ पे सीता मैया के साथ और भ्राता लक्ष्मण के साथ यहाँ पर रुके थे। तो सीधा देखिए, मालिका वर्णित ये जगह है, इसका नाम है मणिनाग गुफा। क्या है, क्या है यहाँ की विशेषता, यहाँ की महिमा क्या है और युग के अंतिम कालखंड में क्या कुछ होगा, आइए सीधा पूछते हैं इस पीठ के जो पीठाधीश हैं बाबा जी से। जी बाबा जी, आपका स्वागत करता हूँ। बाबा जी, पूरा हिंदी मीडिया आपको देख रहा है, तो ये बताइए कि ये जो मणिनाग गुफा है क्या है, उसका महिमा मालिका में क्या लिखा है इसके बारे में? मालिका में लिखा हुआ है, महापुरुष अच्युतानंद ओडिया में लिखा है कि मणिनाग गुफा महिमा अपार, पाताल को द्वारा थिव दुई सहस्र मुनि सिद्धि साधु छंती कोटिए अछि आश्रम। मतलब यार महिमा बहुत, यार और दुई सहस्र मुनि यहाँ नीचे सूक्ष्म अवस्था में ध्यानरत है जी, और कोटिए आश्रम भी है यहाँ का नीचे में जी जी। मालिका महापुरुष अच्युतानंद शिवकल्प में लिखा हुआ है, शिवकल्प मालिका में। और जो मणिनाग गुफा वही था उसका द्वार है। अच्छा, मणिनाग गुफा महिमा अपार पाताल को द्वार थिव दुई सहस्र मुनि सिद्धि साधु छंती कोटिए अछि आश्रम। एटा हला माल पाताल द्वार, जो गुरुदेव बंद कर दीछन ध्यान देवा 2 वर्ष पूर्व। अच्छा अच्छा, गुरुदेव जो ध्यान तो हुआ ना, उसी से पहले 2 साल पहले उसको बंद कर दिया। ओके, क्योंकि मणिनाग यहाँ से निकला है। ओके ओके ओके, रात 12-1 बजे निकला है और बिरूपा नदी को जाता है पानी पीने के लिए और सुगर्चन करके और हालोजिन लाइट करके वो गया जाएगा, फिर आएगा आधा घंटा का बाद। अच्छा, वो जो मनी है मतलब इतना उसमें लाइट जो है, लाइट है हालोजिन, मतलब हालोजिन लाइट की तरह, तो वो फिर यहाँ पे रख के वो पीछे जो है लेके जाता है। अच्छा, साथ में लेके जाता है सुगर्चन करके जी जी, फिर आधा घंटा अंदर फिर वापस आया इधर चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा, और गर्जन भी बंद हो गया, लाइट भी बंद हो गया। अच्छा, वो बहुत आदमी हमारा भक्त, ये हर रोज होता है जी जी जी। नहीं, हर रोज नहीं, जो दिन वो निकलेंगे। अच्छा, बाबा को मालूम पड़ता है। ओके ओके, बाबा वो दिन बोल देगा कि आज कौन मणिनाग दर्शन करोगे। ओके ओके, करो आज निकलेंगे, वो पानी पीने के लिए जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, बाबा खुद बोल देंगे जी 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 जी। वो तो बाबा वैकुंठनाथ जी, ब्रह्मचारी जी, यहाँ प्रतिष्ठाता है, यहाँ का प्रतिष्ठाता है जी, बिल्कुल सद्गुरु भगवान जी। तो फिर एक बार आप दिखा दीजिए वो कौन सा, एक्चुअली उसको बंद क्यों किया गया अभी? क्यों बंद किया, बाबा को कौन नहीं पूछा है और बाबा किसको भी नहीं बोला है। अच्छा अच्छा, मतलब इसके पीछे का भी कुछ राज है। हाँ हाँ, अच्छा, क्योंकि गौदा देकर वो बंधन किया है। अच्छा, गद का पावर में वो मणिनाग को बंधन करके बाबा ध्यान तो हो गया। और कब निकलेगा किसको पता है, इसको कुछ पता नहीं है। पता नहीं। अच्छा अच्छा, लेकिन निकलेगा। बाबा जी के बारे में मालिका में क्या लिखा है बाबा का बारे? हाँ, में हाँ। बाबा तो स्वयं अखिल ब्रह्मांड तारण कारक जी। मालिका में उड़िया में लिखा है, क्या लिखा है, ये अखिल ब्रह्मांड तारण कारक हेबे दिज घरे जात बीरोजा मंडले अवतरी थे विष्णु अंश हे जात काम रमापरा बीज अवसायण ध्यान सूत्र शिखाइबे चिन्ह न पड़े चिन्ह न पारे व्रज सूत्र बाछने। बाबा स्वयं मणिनाग बोल के हम समझते हैं। अच्छा अच्छा, स्वयं बाबा स्वयं जगन्नाथ बोल के हम समझते हैं जी, क्योंकि ऐसे लीला बाबा किया है और उसका प्रमाण भी है हमारा पास, इसलिए हम बाबा को जगन्नाथ मणिनाग और अच्युतानंद बोल के समझते हैं। अच्छा अच्छा, बाख्यरे ऐसा कुछ लिखा है ना मालिका में, वो क्या है वो पद? मालिका में लिखा हुआ है जो अखिल ब्रह्मांड तारण करक दीजा घर में जाता होगा और उसका प्रमाण देने के लिए वो भी फिर लिखा है
कि च अक्षरे ता तो सुभद्रा जे माता उदरु सम्मुत हेब अच्छा ब संगे ट युक्त करी पुणी प्रकाश्य नाम भइबो अच्छा उसका तात का नाम बापा का नाम च अक्षर में अच्छा उनका पिताजी का नाम जो है च अक्षर चैतन्य कर चैतन्य कर उनका पिताजी का नाम है और माता का नाम सुभद्रा सुभद्रा स अक्षर और उसका बाल्य नाम है बट बट अच्छा अच्छा ब संगे ट ब प्लस ट इज इक्वल टू बट बट ओके वो भी मालिका में लिखा हुआ है मालिका में जी जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया। तो मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ये गुफा है, ये गुफा देखिए मतलब इसका साइज जो है काफी बड़ा है। वो जो टाइम में बाबा आया उसको 15 साल हुआ था बाबा को। जी 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 वो बचपन से आया यहाँ से 12 साल तपस्या किया है। यहाँ जो खाने को देता है खाते है, नहीं तो तुलसी का जल पी के ध्यानरत होता है। उसका 12 साल का बात है बाबा सिद्धि प्राप्त हुआ है और गुरु बन गया है। ओके ओके उसका गुरुदेव आके उसको खुद गुरुभार अर्पण करके यहाँ चल गया। ओके ओके अभय प्रदान करके और वहाँ पे कुछ नहीं था, वो गच था और वो अच्छा था। ये पेड़ था और ये गुफा ही था और कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। अच्छा ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो काफी कम समय पिछले में वो 20 साल का बात। अच्छा 20 साल के पहले का ये 30 साल का पहले हुआ थोड़ा। हाँ, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ जो त्रेता युग में जो रामायण कालखंड में उस समय भगवान राम जी के बारे में भी कुछ लिखा गया है ना इस गुफा के। लिखा हुआ है कि दो उड़िया में लिखा हुआ है दुई बखरा अटई गुंपा घर खेलुले रामचंद्र से ही जे ठाबर। अच्छा मतलब वो दो ठो गुंफा है, एक नीचे है और वहाँ पे एक है। वो दो ठो गुंफा है, वो गुंफा में स्वयं रामचंद्र खेलता है बोल के मालिका में इसमें लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा मतलब वनवास के ये कथा है जब श्री राम माता सीता और भैया लक्ष्मण जी के साथ बन बन भटकते थे और यही वो गुफा है। हाँ। वहाँ पे उन्होंने आके रेस्ट लिया, विश्राम लिए थे। ओके ओके और वो गुफा में अष्टपाटवंशी अभी विश्राम स्थल है। अष्टपाटवंशी भगवान का 8 पाटरानी। अच्छा 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 जे जोड़ का नाम गंध माराधन अष्टकुला अष्टनिधि अष्टपाटवंशी जही रे विश्राम अष्टवसुमेधा मेधी। जी 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 अष्टपाटवंशी विश्राम स्थल ए गुंफा। ए गुंफा मतलब रुक्मिणी सत्यभामा। अच्छा अच्छा ऐसे बहुत सारे हैं 8। हाँ 8 रानी वो अष्टपाटवंशी इसको बोलते हैं। जी 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 वो अष्टपाटवंशी यहाँ पे विश्राम करते हैं। ओहो इसलिए भगवान यहाँ और टाइम रहते हैं और उपाधि वैष्णव माने यहाँ पे। इसलिए उड़िया में लिखा हुआ कि उपाधि वैष्णव माने अच्छा एठारे सनकादि आसती जे संध्या समय रे सनकादि ऋषि मुनि माने संध्या समय रे ठीक आसती आरती दर्शन में समय जो शाम के समय जो है। हाँ, जो भगवान जी का आरती जो जिस समय होता है वसनी बाबा उस समय आता है। अच्छा तो अच्छी बात है। तो फिर ये एक्चुअली ये जो जड़ों का पहाड़ है यहाँ मोटा मोटी बात है। वो जो टाइम में कॉलेज वो खत्म होगा जी यहाँ पे सब नाट होगा। क्या क्या होगा वही तो आप बताइए। कल्कि का अच्छा भगवान कल्कि का यहीं पे काम इधर होगा। लीला स्थान यही है। यही है लीला। अच्छा, भगवान अच्छा। का कल्कि लीला यही होगा। और ये भी मालिका में लिखा है कि जो भक्त हैं उनका जो परीक्षा के स्थल ये भी। हाँ ढग ढमालिया काई चमालिया अनेक लोड़ीवे सही मणिनागढ़ परीक्षा करीबे बामन बेश रे रही कृष्ण भगवान और गुरुदेव यहाँ पे बामन बेश में छोटी का रूप में रहता है कि नहीं। वो परीक्षा करता है भक्तमान को, भक्तमान कैसे आते हैं कैसे जाते हैं उसका भाव कैसे है। जी 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 उसको सब परीक्षा करते हैं यहाँ पे। अच्छा एक बात ये बताइए कि जो जलों का ये जो पहाड़ श्रेणियाँ हैं बहुत सारी यहाँ पे पहाड़ हैं और इसी के अंदर मनीना गुंफा और बगल में है एक नली गुंफा। नली गुंफा ये दो ही गुफा है या फिर और भी बहुत सारे हैं।
वो 752 गुफा बोल के 752 गुफा है यहाँ पहाड़ में। अच्छा, कौन दिखा जा रहा है, कौन नहीं दिखा जा रहा है, क्या तो इस गुफा के अंदर आज भी जो साधु संत हैं क्या? हाँ, यहाँ पे भी साधना करते हैं, सब पर है, अंदर में सब है। अच्छा बाबा जी, यहाँ पे आपको कितना साल हो गया? मेरा को 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। अच्छा अच्छा, इससे पहले आप कहाँ पे थे? हम तो गृहस्थ आश्रम में थे। गृहस्थ आश्रम में थे, इच्छा लिख रहे। अच्छा, और जो टाइम में संन्यास लेने का टाइम हो गया, बस चला आया, सब जो अर्जन करके हम सब अर्जन करके और सबको वर्जन करके हम इधर आए। अर्जन करके और सबको वर्जन करके आप यहीं पे आके पहुंचे हैं, आप तो साधना कर रहे हैं।